उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित खैर के जंगल इन दिनों वन तस्करों के निशाने पर हैं। एक के बाद एक पेड़ों पर चलती आरियां वन संपदा को तबाह कर रही हैं। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तंबाकू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल गुटखा और पान में कत्था इस्तेमाल होता है। यह कत्था खैर के पेड़ों से बनाया जाता है। ऐसे में वन तस्कर खैर के पेड़ों को धरल्ले से काट रहे हैं। आलम यह है कि 4 महीने के अंदर ही करीब 10 लाख रुपए की खैर की लकड़ियों को काटा जा चुका है। चोरी छिपे होते इस अवैध कटान ने वन महकमे की नींद उड़ा रखी है। विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक इससे बड़ी मात्रा में लकड़ी तस्करी के जरिए दूसरी जगहों पर पहुंचाई जा रही है। गौरतलब है कि अभी तक गुटखा और पान के लिए खैर की आपूर्ति बाहर के मुल्कों से होती थी, मगर बीते कुछ महीनों में कत्थे की आपूर्ति में आई कमी के चलते खैर की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसे में इन जंगलों में हो रहे अवैध कटान को रोकने के लिए जल्द कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यह वीरान और सुनसान जंगल हमसे अपनी बदहाली का हिसाब मांगेंगे। तब हमारे पास इन्हें कहने के लिए कुछ नहीं होगा।